लोन वॉर फ्रैंक स्टार्ट हुआ, अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है एंड आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है हेरोइक एंड रीजन पे जाने का। सो हे गाइस, दिस इज नैन, स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। सो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनको यूज करके आप इजिली लोन वॉर फ्रैंक में हेरोइक लगा सकते हो। वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ट्रिक नंबर 1, बेस्ट करेक्टर स्किल्स फॉर लोन वॉर फ्रैंक। सो हमारी बेस्ट करेक्टर स्किल्स होने वाली है स्काइलर प्लस मैक्सिम प्लस लियो प्लस केली। लोन वॉल्फ में आपको कैरेक्टर स्किल से ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो सामने वाले प्लेयर्स होते हैं ना, उनके पास भी सेम कैरेक्टर स्किल्स ही होती है। ट्रिक नंबर 2, यूज हेडशॉट्स एंड मूवमेंट स्पीड। सो लोन वॉल्फ पूरा कस्टम की तरह होता है, जैसे कस्टम में 1v1 होता है, 2v2 होता है, वैसे ही लोन वॉल्फ भी होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे बॉडी बॉडी मारोगे एंड सामने वाला बंदा सिर्फ एक हेडशॉट मारेगा ना, तब भी उसके पास ज्यादा एडवांटेज रहेगा। समय समय पे आप लोग बॉडी शॉट्स भी मार सकते हो, जैसे कि अभी मैं मार रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको यही ट्राई करना है कि आप हेडशॉट ही मारे। सो रही बात मूवमेंट स्पीड की, तो जिसका मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा एक्सेलेंट होगा ना, वो यहाँ का किंग होगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना छुपने की जगह बहुत ज्यादा कम है एंड सामने वाला एनिमी बहुत झटके से, मतलब चुटकियों में पता कर लेगा कि बंदा कहाँ पे छुपा हुआ है। इसलिए छुप के यहाँ पे कोई फायदा है नहीं। इसलिए जब सामने वाला आपको ज्यादा डैमेज दे देगा ना, तो आपकी मूवमेंट स्पीड ही डिसाइड करेगी कि आप अलाइव रहोगे या फिर मर जाओगे। सो यस, आपको अपनी मूवमेंट स्पीड भी बहुत तगड़ी कर लेनी है। सो अब बढ़ते हैं अपनी ट्रिक नंबर 3 की ओर, व्हिच गन्स इज बेस्ट इन लोन वॉल्फ रैंक्ड। एक मस्त सी ट्रिक बताऊं गाइस, आप इसे 4 राउंड्स इजीली जीत सकते हो। अगर आपका जो दोस्त है एंड आप हो, उनको अगर कोई स्पेशल गन चलानी अच्छे से आती है, जो कि सामने वाले बंदे को नहीं आ पाए, तो फिर आप लोगों के 4 राउंड ऐसे ही निकल गए, मतलब 4 राउंड आप ऐसे ही जीत गए। सो अभी मैं आपको प्रूफ के साथ समझाता हूँ। तो अभी जो मेरा टीममेट है ना, उसको डेजर्ट ईगल एंड यूएमपी इतने अच्छे से चलाते आते हैं कि जब भी वो किसी बंदे को देखता है, देखते ही हेड मार देता है यूएमपी एंड डेजर्ट ईगल से। सो जब भी उसके पास गन परचेस करने का ऑप्शन आता है ना, तो वो डेजर्ट ईगल एंड यूएमपी ही खरीदता है, ताकि अपन 2 राउंड इजीली जीत सके। एंड मेरे पास जब भी खरीदने का जब ऑप्शन आता है ना, तब मैं चार्ज बूस्टर या फिर डबल AWM या फिर डबल M82B ही खरीदता हूँ, क्योंकि डबल M82B एंड डबल ओ मेरे को बहुत ही अच्छे से चलाती आती है, मतलब ठीक ठाक चला लेता हूँ। एंड चार्ज बूस्टर भी बहुत अच्छे से चला लेता हूँ, जिससे मेरे को 2 राउंड तो ऐसे ही, मतलब 2 राउंड का एडवांटेज ऐसे ही मिल जाता है। सो अब 2 राउंड आपके टीममेट ने जिता दिए, 2 राउंड आपने जिता दिए एंड अब बचा है 1 राउंड, जिसको आप थोड़ी बहुत मेहनत करके जीत लेना। सो अगर आप अभी तक के वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन कॉल पर सेट कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो। सो अब एक लास्ट टिप, टिप नंबर 4, आपको बहुत ही ज्यादा यूज करना है अपने नेट का। नेट मतलब जो आपको ये इलेक्ट्रिक वाला जो नेट मिलता है ना, जिससे 60 का डैमेज आ जाता है, तो उसको बहुत ही ज्यादा यूज करना है। जब भी एनिमी एक गोली का बचाओ या फिर लगभग 20-40 HP का बचाओ ना, तब आप इसको बहुत ही, मतलब अच्छे से यूज कर सकते हो। सो अगर आपको नीडिंग नहीं आती है ना, मतलब इसको यूज करना नहीं आता है ना, तो आप इस वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। बाय द वे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड